नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। अंपायर ने तोड़ा बॉलर का दिल, 3 सेकंड में आउट देने के बाद बिना रिव्यू के बदला डिसीजन, देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों दरअसल ये घटना पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेले जा रहे मैच की है, जहां पर्थ की पारी के दौरान उनके कैप्टन टर्न बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से डेब्यू मैच खेल रहे जेवियर क्रॉन बॉलिंग करने आए। दोस्तों आपको बता दें, जेवियर ने इस ओवर में टर्न को एक बाउंसर बॉल फेंकी और टर्न के बैट के ऊपर से निकलते हुए हेलमेट पर लग कर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। विकेट कीपर के हाथों में बॉल जाते ही जेवियर ने आउट की अपील कर दी, जिसको देखते ही अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर खड़ी कर दी। दोस्तों आपको बता दें, अंपायर ने आउट का डिसीजन दे दिया, लेकिन ये सब होने के महज 3 सेकंड बाद अंपायर को यह एहसास हुआ कि बॉल टर्न के हेलमेट पर लग कर विकेट कीपर के हाथों में गई है। इस बात पर दोस्तों ध्यान देते हुए अंपायर ने तुरंत अपनी गलती को सुधारा और टर्न को नॉट आउट दे दिया। दोस्तों आपको बता दें, बिना रिव्यू के अंपायर ने 3 सेकंड में अपना डिसीजन बदल दिया और बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया, जिसको देखने के बाद बॉलर एकदम शॉक रह गया और हर कोई देखता रह गया और सब चौंक गए। दोस्तों आप हमारी वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं। इस वीडियो में यही अपडेट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।